जेंस क्रिकविना रेडियो पार्टनर रेड एफएम 93.5 उसके आज सेमीफाइनल नंबर 2 ही डीएनसी और आरएस मुंडले के बीच में आरएस मुंडले हार गई। ये मैच बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। तो विनिंग कैप्टन हमारे साथ है सुमित रुईकर, हु आल्सो हैपेंस टू बी द मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 89 नॉट आउट की पारी खेली। ये पारी के बदौलत ही डीएनसी आज फाइनल में जा रही है। आइए सुमित से कुछ बात करते हैं। सुमित, पहले तो हमें बताइए, एज ए कैप्टन जब आप इस मैच में उतर रहे थे, आपके टीम पर कुछ प्रेशर नहीं था? हमारी टीम तो कमज़ोर थी उनसे, फिर भी उन्होंने लाइटली लेंगे, वो लोग लाइटली लेंगे ऐसा हमको पक्का पता था। इसलिए मैंने सबको बोल के रखा था कि किसी को लाइटली नहीं लेना है, फील्डिंग अच्छी करना है, बॉलिंग अच्छी करना है, बैटिंग अच्छी, जो भी अपना डिपार्टमेंट है वो अच्छा करना है बस, और उसके हिसाब से खेले, मैं जीत गया। और आप ये कहेंगे कि ये आपका टीम एफर्ट रहा? टीम एफर्ट रहा। पहले इनिंग्स में आपने उनको काफी रोका, 192 का ही टारगेट पे रोका। 192 का टारगेट था, उसमें हमारे जो तीन लेफ्ट हैंड स्पिनर है, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं होने के बावजूद भी हमने उनको 200 पे रोका है। अच्छी फास्ट बॉलर की विकेट है ये, उसके बावजूद भी हमने उनको 190 पे रोका। और आपके बॉलिंग के बारे में बताइए, आपने 6 विकेट निकाले हैं। उसने एक टप्पे पे बॉलिंग रखा और फील्डिंग बराबर लगा, उसके हिसाब से विकेट्स मिले फिर। और फिर आपकी बैटिंग के बारे में बताइए, जब आपकी टीम बैटिंग कर रही थी, आपके 9 विकेट गिर गए थे और 45 रन बचे थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था एज अ प्लेयर? मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे को ही रन बनाना है, क्योंकि वो टैलेंटर है, बैट्समैन नहीं है वो, तो उसके बाद मेरे को ही रन बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मैं अपने हाथ में रखूँ और चार्ज करूँ, बस ये सोच के खेला और लग गया और बन गया रन। लेकिन आपके सामने जो थे बैट्समैन, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला। उन्होंने भी अच्छा किया, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको वो शॉट्स नहीं लगा सकता था, पर वो सर्वाइव किया उसने, वहाँ पे विकेट पे खड़ा रहा और मैं जीत गया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टुडे, आज आपका बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा, मैं कहूंगा 6 विकेट और 89 रन, मैच विनिंग नॉक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल।